कहा 50 लाख देंगे। अरे हाँ यार, फ्री बैठ के कितने महीनों से फ्री बैठी है। मुझे लगा आप साकिब जी की बात कर रहे। क्या कहा, दोनों को बुलाना है सेम रेट में? अरे हाँ यार, दोनों फ्री है, बोलो तो अभी भेज दूँ, सेम कैब में भेज दूँ। अच्छा, क्या कहा, एक कॉमेडियन भी चाहिए? हाँ, मेरी नजर में एक बहुत अच्छा कॉमेडियन है, एंटरटेनमेंट की रात में आता, बहुत अच्छी कॉमेडी करता है। क्या का नाम? हाँ, नाम उसका दिव्यांश द्विवेदी है। एक बात बताओ, सिर्फ इन्हीं लोगों को मैनेज करते हो, किसी और को भी किया? अरे हाँ हाँ, मैंने उस मलिश्का को भी मैनेज किया था। टीवी पे तो वो दिखती नहीं, क्या मैनेज करते हो? यही तो मैनेज किया कि किसी तरह टीवी पे ना दिख जाए वो। अच्छा पापा। हाँ बेटा। वो ना घर पे वो नहीं है, तो आप वो ले आना। क्या? तमीज, तमीज तुम में बिल्कुल नहीं है, ले आना। पापा, आपने हाइव स्टार ऐप डाउनलोड किया? नहीं बेटा, क्यों? अरे गरीब आदमी, पैसे नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलाओगे? आपने एक बार बोला था कि मैं जिंदगी में कभी किसी एक्टर को डेट नहीं करूंगा। हाँ, ये क्यों बोला था आपने? ये तो झूठ है, आपसी बता दो, आज इन्हें हमारे बारे में सच बता दो। हम 16 फरवरी तक हम साथ में हैं, और अगर उसका पिक्चर हिट हुई है फ्लॉप, उसके अकॉर्डिंग कैमरे के लिए किस भी दे देना, गाल पे इस वाले पे दे यार, तू तो हाथ दो, तू पूरा पूरा बाजू। ऐसे ही है यार, ऐसे ही होता है, देखो कभी मौका मिल रहा होता है ले लेनी चाहिए। तो फिल्म में क्या राखी बांधी इन्होंने आपको? दी नहीं, फिल्म में किसका एक और ही किस्सा है। फिल्म में जब किसिंग सीन होता है यार, मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ में जितने मजे अगर किस करने में आते हैं, उतने ही कुछ बिल्कुल मजे नहीं आते इफ यू किसिंग ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो इतना टेक्निकल सीन होता है। लाइट पकड़ो तो इफ यू आर किसिंग अ पर्सन, लाइक अच्छा उधर से इंस्ट्रक्शन आ रही है, अच्छा टर्न राइट, तो आप ऐसे ही घूमे जा रहे हो कि लाइट पकड़ लो, कैमरामैन बोल रहे हैं सर फोकस नहीं, हिलो मत। अरे मतलब किस करने दो ना यार, मतलब कोई इमोशन पकड़ने दो यार। फोकस पुलर वाला मतलब, जो फोकस लेता है, और हमारा फोकस पुलर वाला भी ऐसा चश्मा पहना हुआ, ये तंबाकू वाले दांत ऐसे करके हंसता था हमारी तरफ की, जैसे निकले ना डर लग जाए कि क्या कर दिया हमने। मुझे पता कैसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे जब किसिंग सीन कर रहे थे हम, जैसे चंदन में मैं लाइव किसिंग सीन कर रही हूँ, पीछे से सीटियां ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है, लेजर। मतलब इतने ओपन हो रखे थे सारे, चुंगम खा ले, ब्रश किया था, खाना तो नहीं खाया, प्याज मत खाइयो, ये मैंने भाई मैं कर लूंगा जो मुझे करना है, मुझे आता है, मैंने सीखा है। सारी मूवी में लाइक किसिंग ही हुई है या कुछ और भी? क्यों इतना क्यों टफ होता है यार उसके अंदर? एक तू करके दिखा साकिब को, तेरे को पता चले क्यों टफ होता है। मैं दूंगा हमें कौन सा काम मिल रहा है, तू कौन है, करके दिखा कैसा लगा ये तो होता। देखो साथियों, खजाना मेरा अभी भी नहीं लुटा, मैं सेफ हूँ। तापसी, मेरा सवाल वही है फिर से, आपने कहा था कि मैं कभी भी किसी स्टार को डेट नहीं करूंगी। स्टार को नहीं, स्ट्रगलर को करेगी? ऑडिशन वालों को करती हैं आप? तो कोई स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन? तू अपनी एंटरटेनमेंट के लिए लगे रहो, तो तेरे सिर्फ एक जस्ट स्टार के रीजन की वजह से आप एक्टर नहीं, मतलब जो लड़का मेरे से ज्यादा शीशे में देखता हो, या फिर जो लड़का भाई ने का मेरा तो कैंसर मुझसे ज्यादा टाइम लगाता हो तैयार होने के अंदर, वो मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं टाइम नहीं लेता भाई। क्या तुम अपने ऑडिशन बाद में देना? हाँ समझ गए ना, वो थोड़ा स्टारी वाली एक्टर वाली फील नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, थोड़ा नॉर्मल सा लड़का चाहिए। चलो मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूं। नॉर्मल स्पोर्ट्समैन चलेगा? Sportsmen, I genuinely feel they are real heroes. I love badminton. You know, badminton is my favorite sport. I know. खेला है कभी? Even mine. बस मेरे को country का नाम नहीं बताया. Badminton is my favorite sport. अच्छा, sportsmen चलेगा आपको? Yeah, sportsmen are genuine heroes. I feel. हाँ. यार अगर मतलब मैंने तो सोच रखा है कि मेरे बच्चे होंगे, जब भी होंगे ना, तो मैं उनको I will like it अगर वो sports stars बने instead of movie stars. So. मैं तो पानी की आंखें छोटी हो गई। I'm just thinking like okay. Okay. अच्छा, लोगो लिसन यार, देख हमारा तीनों का तो हो गया, अभी तुम्हारे बारे में भी सवाल पूछने चाहिए ना। लाओ बोतल, लाओ यार बोतल, वैसे ही पूछ लेते हैं यार, पकड़ ले तू और क्या।
ऐसा कर दो, पहले गेम खेल लेते हैं, फिर पक्का एक एक सवाल, एक मेरा सवाल, एक बलराज का सवाल, डन। चलिए तो आ जाइए एक बार जोरदार ताली। आज ये साबित हो गया कि आपके मुक्के में नहीं आपके बम में भी दम है। ताली के लिए। साकिब, हाँ, अब इसमें क्या करना है? अभी साकिब को खड़े होना है और तापसी इनका पैर वैक्स करेंगी। तापसी, हम हमेशा कोशिश करते हैं गेस्ट को अजीब फील ना हो, इसलिए इनके साथ वाही भी खड़ा होगा, वाही का भी पैर वैक्स किया जाएगा। हमारी फिल्म का डायलॉग है जिसमें मैं इसकी तरफ देख के बोलता हूँ, आई कैन डाई विदाउट यू सच माय गॉड एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ पुच। एक मिनट, फोन आ रहा है मेरा। हेलो, हाँ भंसाली साहब, क्या कहा है? असिस्टेंट डायरेक्टर? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, इस उम्र में असिस्टेंट डायरेक्टर कहाँ रखूंगा आपको? नहीं साहब, मैं फोन काटता हूँ, आप अपने मसले सुन जाओ, मैं बिना रिहर्सल के एक्ट कर रहा हूँ। काटता हूँ सर। क्या हाल है भाई? कैसे सर? मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी तापसी सेट पे आई है। हेलो तापसी बेटे, कैसे हो बेटा? बढ़िया बेटे, बढ़िया। तापसी, मैंने तापसी के नाम का टैटू भी करा है, वो भी छाती पे। मुझे नहीं देखना है। नहीं, ये देखो बेटे, ये देखो तापसी के नाम का टैटू। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ना मैंने ये इधर छाती पे कराया था, बुजुर्ग हूँ ना, झुर्रियों से सरक सरक के पेट तक आ गया। देखिए अच्छी बात ये है कि आप लोग अभी चले आए, दो महीने बाद आते तो मैं दिखा नहीं पाता। वैसे बेटे, बेटे तापसी, आपकी पिक्चर दिल जंगली तो ठीक है, मगर ये मुंह के जंगल का कुछ क्यों नहीं करती? अरे मैं तापसी नहीं हूँ, मैं बलराज हूँ। वो मुझे मालूम है बेटा, तुम बलराज हो, तुम्हारी बेइज्जती करने का अलग ही मजा है। तापसी से बात करने है ना, तापसी वहाँ बैठी, उनसे बात करो। वही मैं सोचूं। एक मिनट ना बेटा। बेटे तापसी, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने झड़वा 2 देखी एंड इट इज मार्वेलस, इट इज मार्वेलस। जोरदार तालियां यहाँ पे फटाफट। तो बेटे, और पूरी पिक्चर में अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई पसंद है ना, तो वो है वरुण धवन। मुझे पता था। नो, बट दैट इज ओनली एज ए हीरो। इन हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस। नो, से पूछ लेना, मैंने उसको भी बोला था कि आप ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जोरदार तालियां हो जाए। देखो बेटे, मेरा उसूल है लाइफ में, जो सामने बैठा होता है उसकी चपलूसी करते हैं अपन बॉस। तो ये बताओ आप यहाँ करने क्या हैं? देखो बेटे, आई एम ए फिल्म डायरेक्टर and I want to cast you as a hero. बनाने से पहले निकल लोगे आप, रहने दो, ऐसे सपने मत सजाओ। वो बेटे अगला पंच था, 2 मिनट वेट करो, मैं ही आता हूँ। स्क्रिप्ट है सर। अरे मैं डायरेक्टर हूँ, जरी तरह बिना प्रिपरेशन के नहीं आता मैं। एक मिनट ना। ये देखो बेटे, ये स्क्रिप्ट है तापसी बेटे, आपने पढ़नी है पूरी। ओके, ये यू टेक इट बेटे 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 बेटे। हेलो। हाँ बेटे। पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट चाहिए? बेटे मेरी उम्र देखो, इतनी शूट होने के बाद अगर मैं बचा ना तो बाकी पिक्चर बनाएंगे, वरना शॉर्ट फिल्म। ओके बेटे। तो पिक्चर की कहानी वानी कोई? पिक्चर की कहानी बेटे बहुत सिंपल है। देखिए कि पिक्चर शुरू होती है मेरी इंटरवल से होती है जो बेटे। एक मिनट। हाँ। इंटरवल से फिल्म क्यों शुरू होगी भाई? बिकॉज फर्स्ट हाफ में एकदम मजा नहीं है, तो मैंने पूरा एडिट कर दिया। ये बड़ा ऑनेस्ट डायरेक्टर है भाई। आपको पता है पिंक फिल्म की कहानी है? हाँ, तो तुम्हें ना बोला बेटा सुपरहिट पिक्चर की कहानी सुनाओ, पिक्चर सुपरहिट थी। अरे अपनी कहानी। अगर तापसी जो है, अगर आप फिल्म में काम ना करना चाहे ना, तो विजू बेटे, विल यू बी इंटरेस्टेड? मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत फाइट किया, मैं फाइटर लाइक यू, करेंगे बेटे काम आप? भाईनर अंकल जी, विजेंदर जी को अगर तू लेगा, इतना तगड़ा इंसान है, मुक्का उक्का मार दिया ना तो मतलब डरना चाहिए भाई तुझे। अरे भाई, जिस दिन विजेंदर सिंह ने मुझे मुक्का मार दिया, मैं फेमस हो जाऊंगा। कैसे? अगले दिन अखबार में मेरी फोटो आएगी, हेडलाइन होगी, विजेंदर सिंह का मुक्का दे के हुई बुड्ढे की मौत, मेरी हो जाएगी चांदी, सुबह खबर में, रात में खबर में। अबे तापसी जी, अंकल जी को मैं जानता हूँ, जब नाचते हैं तो इनके अंदर पता नहीं कौन से हीरो। भाई बातें ये तो हो गई, हमारी आज की आखिरी गेम, एक हमने बहुत हंस लिया लेकिन अब हंसना मना है। आपको बोलना है मगनलाल एक अच्छे में, और आपके पास फिल्म का नाम है, वो बोलना है, लेकिन जो बोलेगा उसके अलावा दो लोग हंस नहीं सकते। अच्छा, वो हंस सकता है? जो बोलेगा वो हंस सकता है, जो सुन रहे हैं वो नहीं हंस सकते। अगर आप हंसे तो आप हार गए, वो राउंड।
और हारने पे पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्या हम लोग बाद में बताएंगे, पहले विजेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं। ओके एक्शन। घुस के उसने बोला यह हंसी इसलिए क्योंकि तुमने सोचा कि गरम मसाला अगर होता तो क्या होता। साकिब करना क्या आपको, आपको अपना कॉन्टेक्ट स्क्रॉल करने, जो भी नंबर आएगा चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी, आपको बोलना है कि वो आपका बचपन का क्रश है। अगर वो लड़का हो तो आपको बोलना है कि आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ क्लोजेट। तो साकिब ये आपका फोन है, अब आंखें बंद करिए और स्क्रॉल करते जाइए। मैं बोलूंगा स्टॉप तो स्टॉप करना। अरे यार ठीक है स्टॉप। विवेक दास चौधरी। चलिए हेलो। यस ब्रो। विवेक भैया कैसे हो आप? ऑल गुड बताओ। यार आपसे ना एक पर्सनल बात करनी थी। आर यू फ्री राइट नाउ? हां बोल। यू पक्का फ्री ना? कोई है तो नहीं आपके आसपास? नहीं नहीं बोल बोल। भैया भैया सॉरी भैया क्यों बोल रहा हूँ, अभी भैया बोलने का टाइम नहीं है।